नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। अनूपपुर जिले के कोतमा में सभी मुख्य मार्गों की हालत गंभीर है, सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। अनूपपुर जिले के कोतमा में कोतमा भालूमाड़ा, कोतमा गोविंदा और समस्त मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से जर्जर स्थिति में है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में यहाँ कभी भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। कोतमा के समस्त मुख्य मार्गों के जर्जर होने की खबर स्थानीय लोगों और समाज सेवियों के द्वारा नगरपालिका कोतमा और कॉलोनी प्रबंधक को दी गई, लेकिन अभी तक इस विषय पर किसी प्रकार की कोई पहल सक्षम अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई। भाई गड्ढे की तो परेशानी है ही, भारी परेशानी है, धूल उड़ता है, यहाँ आए दिन गड्ढा बना रहता है, प्रशासन किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देता है। कांग्रेस विधायक नींद खराब के रहते हुए भी आज 4-5 महीने हो गए विधायक, उन्होंने खुद ध्यान नहीं दिया, जबकि उनके बगल में इस तरह की घटनाएं होती है। आए दिन मवेशी गिर मारे जाते हैं, आदमी गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले काले इसमें आए दिन क्या है कि गाड़ी घोड़ा वाले, टू व्हीलर वाले गिरते रहते हैं। और गाड़ियाँ जैसे अब यही बस आई, आप देखिए इस साइड देखिए ना, ये बस आई तो कितना डस्ट उड़ रहा है। शासन कोल इंडिया और नगर पालिका को ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम मरम्मत किया जाए। इस प्रकार की नाली टाइप में हो गई हैं, अगल बगल गड्ढे हैं, पानी का छिड़काव 2 दिन होता है, बाकी दिन गोल आज ही नहीं हुआ है, आज के डेट पे बता रहा हूँ। यहाँ पानी का छिड़काव नगर कालरी करवाती है, पानी का छिड़काव नहीं हुआ है, यहाँ के बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। यहाँ आसपास विद्यालय हैं और सभी का आवागमन यहाँ से होता, आना जाना लगा रहता है, स्टूडेंट वगैरह यहाँ पर छलम बैठते हैं, उतरते हैं, आना जाना रहता है, बहुत दिक्कत।